Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today's topic of discussion is Avogadro's number and mole. Unit number 1, first we will discuss Avogadro's number. आपको पता है कि जब हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी वहाँ आप लोगों ने सब्सटेंस की डेफिनेशन भी पढ़ी और केमिस्ट्री में जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस के साथ यानी कि हम किसी सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि सब्सटेंसेस डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स की कंपोजिशन से बनते हैं. अब इन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट तमाम पार्टिकल्स को काउंट करना एक केमिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता. अब इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपके पास कौन हेल्प करेगा, वो आपके पास है एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन तमाम पार्टिकल्स को यानी कि किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट तमाम एटम्स के पार्टिकल्स को कंटेन यानी कि जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है एवोगैड्रो नंबर. व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर, ये आपके पास डेफिनेशन है. एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स. यानी कि एवोगैड्रो नंबर की ये फिक्स्ड वैल्यू है आपके पास. एवोगैड्रो नंबर में आपके पास इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए, कैपिटल ए आप यूज़ करेंगे. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 6.02 × 10²³ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, जो हमेशा इक्वल होगा आपके पास 1 मोल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सब्सटेंस. यानी कि वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एवोगैड्रो नंबर आपके पास क्या है, वो इक्वल होता है, जो एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं 1 मोल के. जैसे आपके आपको पता है कि एक दर्जन में आपके पास हमेशा 12 अंडे ही आएंगे. अब एवोगैड्रो नंबर और मोल में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए आप ये 3 एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हो. अब आपके पास हम बात कर रहे हैं कार्बन की. 6.02 × 10²³ एटम्स ऑफ कार्बन हमेशा इक्वल होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन के. यानी कि अगर आप 1 मोल ले रहे हो कार्बन का तो उसके अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे. सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास वाटर मोलिक्यूल की. अगर आप वाटर का 1 मोल लेते हो ठीक है तो उसके अंदर आपके पास 6.02 × 10²³ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे. फिर आपके पास एग्जाम्पल है फॉर्मूला यूनिट, यानी कि आप NaCl आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो. अब आपने 1 मोल लिया सोडियम क्लोराइड का तो उसमें 6.02 × 10²³ फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि 6.02 × 10²³ वो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हों, मॉलिक्यूल्स हों किसी भी मोलेकुलर सब्सटेंस के या फॉर्मूला यूनिट्स हों आयनिक कंपाउंड के, वो इक्विवेलेंट होंगे 1 मोल के. ठीक है, फर्दर एक्सप्लेनेशन आपके पास फर्दर 2 एग्जांपल्स शेयर की गई हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन मोलेकुलर कंपाउंड और नंबर ऑफ आयंस को समझने के लिए इन आयनिक कंपाउंड्स. 2 एग्जांपल्स आपके पास कि किस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो. आपको पता है कि जब आप वाटर की बात करोगे तो वाटर में आपके पास H2O उसका फॉर्मूला, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. जब आप इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या होगा, 2, यानी कि आपको पता है ना कि 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से. ऑक्सीजन का एक ही एटम था, उसको 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये जब मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी तो वो आपके पास होगा उस 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि इतने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के. सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास आयनिक कंपाउंड की, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ये आप लोग को पहले भी स्टडी कर चुके हो. ठीक है, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में एक आयन है सोडियम का और एक आयन है क्लोरीन का. अब यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह की जा रही है पार्टिकल की, सिंपल आपके पास यानी कि नंबर ऑफ एटम्स तो ज़्यादा नहीं है ना, एक ही आयन है और एक ही सोडियम आयन है, एक ही क्लोरीन आयन है. इसलिए क्या किया, 6.02 × 10²³ इनको दोनों को ऐड किया, आंसर आपके पास आ गया 12.04 × 10²³ या फिर ये वैल्यू, ये आपके पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोडियम क्लोराइड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोल, जिसको केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट भी कहा जाता है. फर्स्ट आपके पास फर्स्ट 2 लाइंस में डेफिनेशन है मोल की. मोल को अगर डिफाइन किया जाए तो ये क्या है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें आपके पास 6.02 × 10²³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. वो पार्टिकल्स क्या है, आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ये एक लिंक इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसा कि अभी हम यहाँ पे समरी में देखेंगे. ठीक है, इसको इसकी एब्रीवेशन आपके पास क्या है, MOL, स्मॉल लेटर्स में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि आप जैसा कि आप जानते हो कोई सब्सटेंस एक एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. ठीक है, और वो कंपाउंड मोलेकुलर भी हो सकता है और आयोनिक भी.
अब जब आप उस सब्सटेंस के मास की बात करते हो तो आपको याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास और फॉर्मूला मास। और जब इन्हीं मैसेज को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो आपको याद है आप लोगों ने पढ़ा था ग्राम मोलेकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास। जब आप सिंपल मैसेज की बात कर रहे हो तो हमने उसका यूनिट पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट AMU। और जब हम इनको एक्सप्रेस कर रहे थे ग्राम्स में, ठीक है, तो इन मैसेज को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उन्हें कहा जाता है मोलर मैसेज। ठीक है, साइंटिस्ट इस बात पे एग्री हुए थे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इन वन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आपके पास मोल की, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो वह ये है कि एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास या फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा मोल। यहाँ आपके साथ फॉर एग्जांपल शेयर की गई हैं कि आपके पास इन्होंने कार्बन का एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया गया है, जैसे कि हमें पता कि हम लोगों ने पहले भी कार्बन की एग्जांपल पढ़ी थी कि वो 12 ग्राम के अगर उसको इक्वल होगा, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है तो वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कार्बन के। मोलेक्युलर मास ऑफ वाटर जो को एक्सप्रेस हो रहा है एज 18 ग्राम, वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ वाटर के। मोलेक्युलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, तो वो क्या है, उसका आपके पास ग्राम्स में मास, मोलेक्युलर मास था 98 ग्राम और वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ H2SO4। फिर आपके पास NaCl की एग्जांपल है, उसका फॉर्मूला मास एक्सप्रेस हो रहा है 58.5 ग्राम, वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ NaCl। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला शेयर किया गया है रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन मोल एंड मास, जिसको आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो आपको उस सब्सटेंस का मास पता होना चाहिए और मोलर मास पता होना चाहिए। और अगर मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ एक डिटेल्ड रिलेशनशिप शेयर किया है, एक समरी शेयर की है कि सब्सटेंस और मोल में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये जो समरी आपके पास शो की गई है, आपको पता है कि सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड और वो कंपाउंड आपके पास मोलेकुलर भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। मोलेकुलर को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया तो आपको पता है कि उस को आप क्या कह रहे थे, मोल, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो उसकी आपने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी पढ़ ली। ठीक है, तो वो आपने क्या कहा था, वो हमेशा इक्वल होगा मोल के। ठीक है, उसी तरह एटॉमिक मास है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया, उसमें इतने एटम्स यानी कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो इक्विवेलेंट होगा मोल के। उसी तरह फॉर्मूला मास, आयनिक कंपाउंड की बात की, जब उसको एक्सप्रेस किया ग्राम्स में तो वो बन गया ग्राम फॉर्मूला मास, उसमें आपके पास इतने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, वो इक्विवेलेंट होगा 1 मोल के। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल 1.4, कैलकुलेट द ग्राम मोलेक्युलर दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। आपको अभी आपने दोनों फॉर्मूलाज पढ़े थे, नंबर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मास। अब आपके पास मास गिवन है, मोलेक्युलर मास भी गिवन है। अब इन वैल्यूज को आप पुट करोगे इस फॉर्मूला के अंदर ताकि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सको। वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर आ गया 0.408, यानी कि 40 ग्राम्स में आपके पास इतने ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इन H3PO4।